गुड मॉर्निंग टू ऑल, हैप्पी दिवाली टू ऑल। ऑलरेडी दिवाली हो चुकी है कल, तो आज आप सवेरे 8 बजे सेशन लगान जा रहे हैं। तो तुम सारे पता ही है कि दिवाली का त्योहार बहुत वधिया रहा है, सब दा रोशनी का एक त्योहार है। तुहाडी जिंदगी दे विच ये रोशनी कामयाबी बन के लैके आए। तो अज अपना ईवीएस का सेशन नंबर 4 है, वन लाइनर नूं लैके मैं तुहानू 30 डेज चैलेंज लिया है। वन लाइनर दे विच बहुत सारे कंसैप्ट करवाउण दा, तो रूटीन दे विच आपां इह सेशन्स नूं लगा रहे हैं, इन्हों मिस नहीं करना। उस तो बाद अपना अचीवर बैच आ चुका है, रिकॉर्डेड बैच है बकायदा प्रॉपरली। उस तो बाद अगला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। धरती के वातावरण में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत की है, तुम्हें सारे पता है। अपना इनिशियल सोर्स ऑफ जड़ा की है जी एनर्जी है, सब तो पहले एनर्जी आपको सन तो मिलती है, ठीक है। विच नैचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन डेजर्ट रीजन, मरुथल खेतर कुदरती बनस्पति पाई जाती है। तो तुम सारे पता है राजस्थान एरिया या फिर डेजर्ट एरिया दे विच इको एक की है जी जड़ा मरुथली, आप मेन आप जिन्हों जानते हैं सारे, सब तो पहला इदा का ही प्लांट जो आप पढ़े डेजर्ट रीजन पाया जाता है, वह है कैक्टस। की है जी? कैक्टस। तो सैकेंड क्वेश्चन हो चुका है, तो सारे जने फटाफट आपका आंसर जरूर देंदे चलना। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज द बायो डीजल क्रॉप। ये मैं इदा का क्वेश्चन पहला भी करा चुकी हूँ, केड़ी बायो डीजल फसल है, तो सारे पता है जेट्रोफा, ठीक है। इन विच ईयर द इनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास, वातावरण सुरक्षा एक्ट विच किस साल किता पास किया जाता है, 1986 में। किन्ने पास किया जाता है, 1986 में पास होया सी बेसिकली इनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्यों कराए गए, भोपाल गैस ट्रेजेडी तो बाद होया सी, तुहानू पता 1984 दे विच की है, 2-3 दिसंबर की रात नू की है जी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई सी, आइसोमिथाइल साइनेट जिहड़ा फैल गया सी जिहदी वजह नाल भयंकर जिहड़ा कि एक एक्सीडेंट कह सकदे हो चुकिया सी, बहुत लखां लोग ही जख्मी हुए इन्हां दे विच और बहुत दी डेथ भी हो गई सी। इस करके इनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया सी 1986 विच कि इनवायरमेंट नूं आपां सांभ संभाल करनी अपनी जिम्मेवारी है, जेकर कोई भी गलत काम कर रहा है तो उन्हां ते बहुत सारे एलीगेशन फाइन लॉ जिहड़े की है जी लगनगे इस पॉइंट ते। ते उस तो बाद उस बाद अगला पॉइंट है जी, इन विच मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड, सब तो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कित्थे पाई जाती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ठीक है जी। इत्थे सब तो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है क्योंकि रीजन यह है बहुत ज्यादा बारिश है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होंगी रहती है इस तरीके। विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर प्रेवेंट्स द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द रीचिंग ऑफ अर्थ, वायुमंडल की केड़ी परत प्रकाश की अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती की सतह तक पहुंचने से रोकती है। जिवें तुहानू पता है पहली लेयर ट्रोपोर, फिर कि स्टैटो, स्टैटो के जी ओजोन लेयर हैगी है, ओजोन लेयर की कर रही है सूरज तो आन वाली पराबैंगनी किरणों को धरती के आन तो रोकती है। तो ओजोन लेयर के अंदर की है जी, ओजोन लेयर कितने पाई जाती है, स्टैटोसफेयर के अंदर। तो स्टैटोसफेयर की करती है जी जी की है इनकी हैल्प कर रही है, स्टैटोसफेयर गर्म हो जाती है जिवें जिवें आप इस लेयर के उपर जाने उस तरीके स्टैटोसफेयर गर्म होती है, तापमान बढ़ता जाता है। ओजोन लेयर की कर रहा है सूरज तो आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वह अपने अंदर समा लेता है, ठीक है जी। तो धरती के अपने तक ये नहीं आन दिता जी। चलो छेवा क्वेश्चन, इन विच सिटी इन मध्य प्रदेश इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक, जिम्मे तुम पता है उदयपुर इज द सिटी ऑफ लेक, उस तरीके मध्य प्रदेश के है जी कि सिटी ऑफ लेक। सैवन क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के अंदर कौन सिटी है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं हूं एक नाम भी लिया सी, वो है भोपाल। तुम्हें पता है भोपाल इज सिटी ऑफ लेक्स, ये बेसिकली इस लेक का पानी ड्रिंकिंग वाटर भी यूज किया जाता है, लोग इतने एज अ टूरिस्ट घूमन भी आते हैं। वेन इज द अर्थ डे ऑब्जर्व, धरती दिवस कदों मनाया जाता है जी, तो कदों मनाया जाता है 22 अप्रैल, कदों मनाया जाता है 22 अप्रैल, क्लीयर हो गया अला पॉइंट भी, हूँ मैं तुम्हें प्रोपर साइट हो जाती हूँ स्क्रीन विजिबल। व्हाट इज एगमार्क रिलेटेड टू, एगमार्क कादा रिलेटेड है, एगमार्क किस नाल संबंधित है, क्वालिटी दे
एग्मा किन नाल रिलेटेड है, क्वालिटी दे नाल, ठीक है जी, कि किसी चीज के अंदर कितनी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, ठीक है, उन्हें की बोलते हैं जी एग्मा, ठीक है। वेयर इज वॉटर पॉल्यूशन बाय आर्सेनिक मोस्ट कॉमन, आर्सेनिक द्वारा पानी का प्रदूषण सब तो वध किथे है जी, वैसे तो बहुत ज्यादा जगह ते हैगा है, जिवें आपां अगर गल करिए झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असाम, नागपुर, ते उन्दे नाल की है सब तो ज्यादा कह सकते हैं आपां वेस्ट बंगाल, बहुत जगह ते होर भी है बट मोस्ट आए। उस बाद मैं तुहानूं दस दिंदी हां बिहार, नागपुर, उत्तर प्रदेश, इत्थे बाकी होर भी लिख दिंदी हां, मणिपुर, छत्तीसगढ़, असाम, इस सारे दे अंदर की पाया जाता है, छत्तीसगढ़, असाम, ये सारे है जी। तो अज के 10 क्वेश्चन तुहानूं किदां दे लगे तो सारे स्कोर जरूर दसना कि भाई मैडम मैंने इन्ने इन्ने मेरे नंबर बने हैं, मैंने जरूर दस के जायो। प्लस अपना रैपिड बैच आ चुका है, एग वाले दिवाली ऑफर से की है जी, इन्हें डिस्काउंट दे रहे हैं 300 का, तुम लगा के कूपन यूज कर सकते हो। होर भी कोई अपडेट लैनी है, आपका नाम लिख के तुहाडी सिटी केड़े केड़े कोर्स से तुम तैयारी कर रहे हो, किस जेंडर तुहाडा की है, आ सारा इस नंबर से फिल करके तुम अपने की है जी रजिस्ट्रेशन सॉरी फ्री वट्सअप ग्रुप एड हो सकते हो, कोई फीस चार्जिज नहीं है, सारी अपडेट्स तुम मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हाँ जी अज का सैशन वधिया लग्या होगा, कोई भी गल, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी रिगार्डिंग, तो तुसी अगर साडे नाल मेरे या सर नाल गल करनी होंदी है तो शामी 6 बजे तो बाद तुसी सानू कॉल कर सकते हो, ठीक है जी, 6 to 8 दे अराउंड तुसी कॉल कर सकते हो, क्योंकि असीं सीधा गाइडेंस तुहानू इत्थे देंगे जी, जो भी है तुहाडे सामने तुहाडी रखी जाएगी, असीं खुद स्पैशली गल कर लेंगे, कोई भी टीचर नाल अगर गल करनी है तो 9 to 5 दे विच तुसी कर सकते हो अपने हैल्पलाइन नंबर ते। तो उम्मीद करती हाँ अज का सैशन वधिया लग्या होगा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सैशन दे विच, थैंक यू।